हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स डिस्कस करने वाले हैं सेमी ग्रुप से रिलेटेड। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सेमी ग्रुप क्या होता है इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है, और आज के वीडियो को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आज का इससे जो पिछला वीडियो है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि अगर आपको सेमी ग्रुप ही समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है तो आपको उससे रिलेटेड थ्योरम्स जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट थ्योरम से, जो कि कहती है कैंसिलेशन लॉज मे और मे नॉट होल्ड इन अ सेमी ग्रुप। हमारे पास में जब हम ग्रुप कर रहे थे तो हमने कुछ एलिमेंट्री रिजल्ट्स करे थे कि अगर हमारे पास में ए बी इज इक्वल टू ए सी है, इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, और बी ए इज इक्वल टू सी ए है, इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। यानी ये यहाँ से लेफ्ट साइड से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये राइट साइड से कैंसिल हो जाएगा। अगर ये ग्रुप है तो हमारे पास में दोनों कैंसिलेशन लॉज जो हैं वो होल्ड करते हैं। लेकिन अगर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये सेमी ग्रुप है तो ज़रूरी नहीं है कि कैंसिलेशन लॉज जो है वो होल्ड करें, ये कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जब भी हमारे पास में इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमें काउंटर एग्जांपल की मदद से इस तरह की चीज़ों को प्रूफ करना होता है कि ये देखिए एग्जांपल जहाँ पर ये चीज़ जो है वो होल्ड नहीं कर रही है। अब यहाँ पर हम लेते हैं m इज इक्वल टू ए बी सी डी, 2x2 मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, जहाँ पर ए बी सी डी ये सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं ये z को बिलोंग करते हैं। हम प्रूफ कर रहे हैं m विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज अ सेमी ग्रुप। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आप देखोगे कि ये जो है ये एक सेमी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इजीली आप देख सकते हो कि ए वन बी वन सी वन डी वन इंटू ए टू बी टू सी टू डी टू, ये जो आता है ये भी हमारे पास में एक 2x2 मैट्रिक्स होता है जिसमें ये जो सभी एलिमेंट्स आएंगे इंटरनल एलिमेंट्स ये सब के सब इंटीजर्स होते हैं, तो ये m को बिलोंग कर जाएगा। देयरफॉर इट इज क्लोज्ड, ये क्लोज्ड है। इसके साथ साथ में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी भी होल्ड होती है, यानी कि अगर हम कोई भी तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं ए वन बी वन सी वन डी वन ए टू बी टू सी टू डी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री डी थ्री, ये हम कोई भी तीन एलिमेंट्स ले रहे हैं एम में, तो हमारे पास में ए वन बी वन सी वन डी वन इंटू ए टू बी टू सी टू डी टू होल मल्टीप्लाइड बाय ए थ्री बी थ्री सी थ्री डी थ्री इज इक्वल टू ए वन बी वन सी वन डी वन इंटू ए टू बी टू सी टू डी टू इंटू ए थ्री बी थ्री सी थ्री डी थ्री। यहाँ पर इस तरह से आप इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं या फिर इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं कि यहाँ पर एसोसिएटिविटी जो है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड होती है। देयरफॉर एसोसिएटिविटी होल्ड्स। हमें बाकी दोनों कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसको सेमी ग्रुप प्रूफ करना है ना कि ग्रुप। और सेमी ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमारी खाली दो कंडीशंस होती हैं, क्लोजर और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। देयरफॉर हमारे पास में है ये m विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज अ सेमी ग्रुप। अब हमें एक काउंटर एग्जांपल की मदद से बताना पड़ेगा कि
कि ये ग्रुप नहीं है, सॉरी यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ जो है वो ट्रू नहीं हो रहा है। इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1000 और बी जो है वो है हमारे पास में 0002 और सी जो है वो है 0003। आप यहाँ पर देखोगे ए और बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में 0000 आएगी। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, डायरेक्ट नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है और ए सी जो है वो भी हमारे पास में 0000 आ रही है। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। बट जब हम ए को कैंसिल करने की सोच रहे हैं कि सपोज ए को ए से कैंसिल कर दें, इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास में, बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। बट देखिए ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर लास्ट एलिमेंट 2 है और यहाँ पर लास्ट एलिमेंट 3 है, तो हमारे पास में बी जो है वो नॉट इक्वल टू सी है, यानी कि यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ जो है वो ट्रू नहीं हो रहा है। यही हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि सेमी ग्रुप में ज़रूरी नहीं है कि कैंसिलेशन लॉ जो है वो ट्रू हो। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 2। सबसे इससे इस थ्योरम नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में आपको एक थ्योरम प्रूफ करके दिखाऊंगी कि अगर कोई सेमी ग्रुप है और उसमें कैंसिलेशन लॉ जो है वो ट्रू हो रहा है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ, अगर दोनों के दोनों कैंसिलेशन लॉज जो हैं वो ट्रू हो रहे हैं, होल्ड हो रहे हैं, तो हमारे पास में वो जो सेमी ग्रुप है वो ग्रुप बन जाएगा। लेकिन वो जो थ्योरम है वो इस थ्योरम की डायरेक्टली बाद में नहीं करा सकती हूँ क्योंकि उसमें जो रिजॉल्ट इन्वॉल्व होने वाला है वो अभी अभी वाली थ्योरम में मैं प्रूफ कराने जा रही हूँ। और जो मैं थ्योरम बोल रही हूँ कैंसिलेशन लॉ वाली, वो हमारी सेमी ग्रुप की लास्ट थ्योरम होगी। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 2 से, जो कि कहती है अ सेमी ग्रुप एस इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, फर्स्ट कंडीशन है ई बिलोंग्स टू एस सच दैट ए डॉट ई इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। यहाँ पर एक एलिमेंट ई बिलोंग करेगा सच दैट ए डॉट ई इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, और सेकेंड है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग्स टू एस सच दैट ए ए डैश इज इक्वल टू ई। यहाँ पर कोई भी सेमी ग्रुप जो है वो ग्रुप तब होगा जब हमारे पास में राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी हमें राइट और लेफ्ट दोनों आइडेंटिटी और दोनों इनवर्स प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में स्टेटमेंट कहती है अ सेमी ग्रुप एस इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी नेसेसरी कंडीशन, वो तो बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास में एस जो है वो ग्रुप हो जाता, अगर हमारे पास में सेमी ग्रुप एस जो है वो ग्रुप है, तो ये दोनों कंडीशंस डेफिनेटली होल्ड करेंगी, क्योंकि अगर वो ग्रुप है तो उसकी दोनों आइडेंटिटी और दोनों सॉरी लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स और राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स सभी एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे पास में राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स के एग्जिस्टेंस की बात आ जाती है। इफ एस इज अ ग्रुप देन देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू एस सच दैट a dot e is equal to a dot a is equal to a for all a belongs to s, क्योंकि यहाँ पर अगर वो ग्रुप हो गया तो लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों एग्जिस्ट कर गई, ये लेफ्ट आइडेंटिटी ये राइट आइडेंटिटी, therefore there exist e belongs to s such that a dot e is equal to a for all a belongs to s, a dot e, यानी हम खाली इसको कंसिडर कर लेते हैं ए डॉट ई इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, क्योंकि हमें खाली ये वाली कंडीशन को प्रूव करना है। देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन होल्ड्स। इसके साथ साथ में अगर ये ग्रुप है तो हमारे पास में
For all A belongs to S, there exists A dash belongs to S such that A dash is equal to A dash A is equal to E. Yani hamare paas yahan par right inverse aur left inverse dono exist kar rahe hain. Hame khali right inverse ke liye proof karna hai. To hum khali isko consider kar lete hain. Therefore A dash is equal to E. Therefore second condition holds. तो हमारे पास में जो second condition है वो भी hold कर गई. तो अगर semi group हमारे पास में group है तो ये दोनों condition hold कर जाती हैं. अब next part में हमको ये proof करना है कि अगर हमारे पास में S semi group है और ये दोनों conditions hold कर रही हैं तो वो group हो जाएगा. अब देखिए semi group है तो closure और associativity दोनों condition तो complete हो गई. और यहाँ पर हमें ये राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स दे रखा है. अब इसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स प्रूफ करना होगा. तो हम वन बाय वन कैसे प्रूफ करते हैं, चलिए शुरू करते हैं. कन्वर्सली लेट ए बिलोंग्स टू एस. तो अगर हमारे पास में ए एस को बिलोंग करता है, देयरफॉर by condition 1 there exists a dash belongs to s such that a dash is equal to e. इसको हम equation number 1 ले लेते हैं. अब ये अगर हमारे पास में a dash belongs to s है such that a dash is equal to e. now a dash जो है वो भी s को belong कर रहा है such that there exists a double dash belongs to S such that a double dash is equal to E. इसको हम equation number 2 ले लेते हैं. इसको हमने क्यों consider करा है वो आपको आगे जाकर समझ में आएगा. मैं theorem कराने के बाद वापस back steps जाऊंगी जिससे आपको clarity हो जाएगी, क्योंकि group theory के अंदर इतनी theorems हैं कि आप confused हो सकते हैं कि किसमें क्या याद रखोगे. इसलिए पूरा थ्योरम हो जाने के बाद में मैं फॉरवर्ड स्टेप्स में जाऊंगी, सॉरी बैकवर्ड स्टेप्स में जाऊंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये मैंने एक-एक स्टेप क्यों करा है. अब हमें शो करना है राइट आइडेंटिटी हमको दे रखी है, हमको शो करना है लेफ्ट आइडेंटिटी. वी हैव टू शो दैट A dash A is equal to E. हमें right inverse दे रखा है, हमें left inverse और left identity proof करनी है. हम सबसे पहले यहाँ पर inverse proof कर रहे हैं और बाद में हम identity proof करेंगे. हमें A dash A को E proof करना है. Now A dash belongs to S and A belongs to S. A जो है वो तो S का हिस्सा है ही, साथ साथ में A dash जो है वो S का हिस्सा है. तो हमारे पास में A dash A जो है वो S को belong कर गया. अब हमारे पास में A dash A जो है उसको हम A dash A E लिख सकते हैं by condition 1, क्योंकि हमें पता है सभी के सभी जो A के elements हैं, सभी के सभी जो S के elements हैं उनको हम S का element is equal to that element into E लिख सकते हैं by condition 1. तो हमारे पास में अब ये देखिए A dash A आया है यहाँ पर, तो इसको हम अगर यहाँ पर E की जगह A dash proof कर दें, substitute कर दें, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में A dash A square A dash. हम किसी भी conclusion पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस step को ऐसे नहीं करेंगे, ये हमारा स्टेप गलत है. हम क्या करेंगे, e की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 की. यानी ये करेंगे हम a dash a डबल डैश. ये हमारे पास कहां से आ गया, फ्रॉम 2. अब हम एसोसिएटिव लॉ लगा लेते हैं, क्योंकि सेमी ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा. तो ये हो गया हमारे पास में a dash a double dash.
अब हमारे पास में ए ए डैश जो है वो ई दे रखा है, ये हम लिख लेते हैं बाय एसोसिएटिव लॉ। अब ए डैश ये क्या है, ए ए डैश ई ए डबल डैश, ये कहां से आ गया हमारे पास, बाय कंडीशन वन। अब ए डैश ई जो है वो क्या आ गया हमारे पास में, ए डैश ए डबल डैश बाय सेकेंड कंडीशन, सॉरी ये बाय सेकेंड कंडीशन है, ये बाय फर्स्ट कंडीशन है। तो ए डैश ए डबल डैश क्या आ गया हमारे पास में, ई फ्रॉम इक्वेशन टू। तो हमारे पास में हमें मिल जाएगा ए डैश ए इज इक्वल टू ई, देयरफॉर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस वी गेट ए ए डैश इज इक्वल टू ए डैश ए इज इक्वल टू ई। यानी हमारे पास यहाँ पर राइट हमको इनवर्स दे रखा था, हम लेफ्ट इनवर्स जो है वो प्रूफ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर, हम इसको थ्री लिख लेते हैं। नाउ टू शो ई ए इज इक्वल टू ए, हमने राइट आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ हमें ऑलरेडी दे रखी है, अब हमें लेफ्ट आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, यानी कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ए इज इक्वल टू ए। हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, कंसिडर ई ए। अब यहाँ पर देखिए आप ई ए, तो ई क्या है हमारे पास में गिवन कंडीशन में, हमें दे रखा है ए ए डैश इज इक्वल टू ई, तो हम ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, ये है हमारे पास में फ्रॉम वन, सॉरी फ्रॉम टू। हमें एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा बहुत गलत लिख रही हूँ, वापस करेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ पर जो इनवर्स की कंडीशन दे रखी है वो सेकेंड है और जो आइडेंटिटी की कंडीशन दे रखी है वो फर्स्ट है। तो ये फ्रॉम सेकेंड कंडीशन है, तो यहाँ पर ये हमारे पास में क्या आ रहा है ए ए डैश, इसको एसोसिएटिविटी लगाते हुए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाय एसोसिएटिविटी। अब ए डैश ए जो है वो हमने प्रूफ करा है फ्रॉम कंडीशन थ्री, ये हमारे पास में है ए ई फ्रॉम थ्री, ये हमने प्रूफ कर रखा है ई ए इज इक्वल टू ए ई व्हिच इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास में हमें एक इक्वेशन मिल जाती है, कंडीशन मिल जाती है ई ए इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, यानी कि यहाँ पर हमें एक ऐसा आइडेंटिटी मिल जाता है जहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों होल्ड हो रहा है, ई ए इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, दिस इज इक्वल टू कंडीशन नंबर फोर। सिंस सेमी ग्रुप S satisfies condition of closure and associativity, therefore इसको हम equation number 5 ले लेते हैं, therefore combining equation 3, 4 and 5 we get S with respect to dot is a group, या फिर हम ये ऑपरेशन लगाए बिना डायरेक्टली कह सकते हैं सेमी ग्रुप S is a group with respect to same बाइनरी कॉम्पोजिशन। अब हम स्टेप्स बैक चलते हैं कि हमने इसको किस तरह से किया है। यहां पर देखिए आपको S जो है वो एक सेमी ग्रुप दे रखा था और इसके साथ साथ में आपको राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स जो है वो दोनों ही दे रखे थे। अब
आपको इसको ग्रुप प्रूफ करना है। तो दो कंडीशन तो सेमी ग्रुप के कारण ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गई, वो है क्लोजर और एसोसिएटिविटी। अब इसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए दो और कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है, वो है लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स। ये हमें राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स यहाँ पर दे रखा है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट इनवर्स प्रूफ कर रहे हैं और उसके बाद में लेफ्ट आइडेंटिटी को प्रूफ कर रहे हैं। अब हम लेफ्ट इनवर्स को जब प्रूफ कर रहे हैं तो बेसिकली हमको ए डैश ए, एक ऐसा एलिमेंट चाहिए ए डैश सच दैट ए डैश ए इज इक्वल टू ई आना चाहिए। जब आप ए डैश ए कंसिडर करते हो तो यहाँ पर आपके पास में इससे आगे बढ़ने का क्या स्टेप है, ए डैश ए इससे आगे बढ़ने का आपके पास में स्टेप जो है वो है ई, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये इक्विवेलेंट है इस एलिमेंट इन टू इसके आइडेंटिटी एलिमेंट के, ये आपको फर्स्ट कंडीशन में दे रखा है। अब यहाँ से जब आप आगे बढ़ोगे ई की जगह आपके पास में क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो आप, ए ए डैश आपको कंडीशन में दे रखी है फ्रॉम वन, अगर आप इसको ये इसमें आप लिख लो फ्रॉम वन, अगर आप फर्स्ट कंडीशन से यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हो ये वाली तो आप इस पॉइंट पर पहुंच जाते हो ए डैश ए स्क्वायर ए डैश, इसके बाद में आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। इसलिए हमारे पास में अगर ए डैश भी एस के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए डबल डैश भी एस का एलिमेंट होगा सच दैट ए डैश ए डबल डैश इज इक्वल टू ई। तो ये वाली जो ई की वैल्यू है वो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, और जब हम वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो उसके बाद में हमें आगे बढ़ना सिंपल हो जाएगा। हम एसोसिएटिव लॉ लगा लेंगे और ए डैश इंटू ए ए डैश इंटू ए डबल डैश, तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा ई हो जाता है, ये हमें दे रखा है कंडीशन में सेकंड कंडीशन में। तो ये हो गया हमारे पास में ए डैश ई जो है वो हमारे पास में कुछ और नहीं बल्कि ए डैश है, तो ए डैश ए डबल डैश और ये हमें ई है हमारा। तो हमें इस तरह से हमारी लेफ्ट इनवर्स मिल जाती है। अब हम स्टेप्स जो अपने नेक्स्ट प्रूफ करना है उसमें है हमें प्रूफ करना है लेफ्ट आइडेंटिटी। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं ई ए, अब इसको आगे बढ़ने के लिए हमें ए ए डैश प्रूफ कर रहे हैं सॉरी पुट कर रहे हैं यहाँ पर, इससे क्या होगा कि ये ए डैश और ए कंबाइन होकर ई बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में ए डैश ए कंबाइन होकर ई बन गया और हमें ए मिल गया है। तो इस तरह से हमें दोनों की दोनों कंडीशंस मिल जाती हैं, लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स, और राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स हमें पहले ही दे रखी है। तो हमारे पास में जो सेमी ग्रुप है वो ग्रुप बन जाता है। नेक्स्ट जो थ्योरम है इसके सिमिलर स्टेप्स में है, इसलिए मैं उसको प्रूफ करके नहीं दिखा रही हूँ, उसको एज अ असाइनमेंट दे रही हूँ और वो आपको खुद को प्रूफ करना है। और आपको किसी भी स्टेप में अगर डाउट होता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसकी फ़ोटो लेकर भेज सकते हैं और बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि आप इस स्टेप पर स्टक हो रहे हैं, तो उसके बाद में आगे कैसे बढ़ना है वो मैं आपको प्रूफ करके वहाँ पर बता दूंगी। नेक्स्ट थ्योरम में क्या है, हमें वहाँ पर हमें लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स दे रखा है और हमें प्रूफ करना है राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स। ये जो अभी थ्योरम नंबर टू है इसे हमें राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स दे रखा था, उसको प्रूफ करना था लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स भी, और इस थ्योरम में हमें लेफ्ट दे रखा है और हमें राइट प्रूफ करना है, बाकी सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो सेम है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ सेमी ग्रुप एस इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ there exist, first condition है there exist E belongs to S such that E A is equal to A for all A belongs to S, और second condition है for each A belongs to S there exist A dash belongs to S such that A डैश A इज इक्वल टू E। तो ये आपकी एक असाइनमेंट थ्योरम है जिसको आपको खुद को प्रूफ करना है। इन दोनों थ्योरम को कंबाइन करते हुए हम एक रिमार्क लिखते हैं जो कि इन दोनों थ्योरम का कॉम्बिनेशन है और इस तरह से है,
from the above two theorems, from the above two theorems, जो कि है हमारी theorem number 2 और theorem number 3, we conclude that, sorry, conclude की spelling गलत लिख दी, conclude that a semigroup is a group if and only if right, bracket में लिख रही हूँ left, identity, right और bracket में लिखती हूँ left, inverse exist in it. यानी कि हमारे पास में कोई भी सेमी ग्रुप जो है वो ग्रुप कब होगा, जब उसकी राइट आइडेंटिटी या एंड राइट इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, या लेफ्ट आइडेंटिटी एंड लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. यानी राइट आइडेंटिटी अगर होगी तो राइट इनवर्स होना चाहिए, लेफ्ट आइडेंटिटी होगी तो लेफ्ट इनवर्स होना चाहिए. इस चीज को आप ऑल्टरनेट ऐसे नहीं कर सकते हैं कि राइट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स कर दो या लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है. अगर हमारे पास में राइट आइडेंटिटी है तो राइट ही इनवर्स होना चाहिए, लेफ्ट आइडेंटिटी है तो लेफ्ट ही इनवर्स होना चाहिए. तो अगर ये हमारे पास में कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे पास जो सेमी ग्रुप है वो ग्रुप बन जाता है. ये दोनों थ्योरम को कंबाइन करते हुए रिजल्ट बताया गया है, रिमार्क बताया गया है. नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड दो और थ्योरम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से ग्रुप थ्योरी और मीट्रिक स्पेस के वीडियोस देखने के लिए और भी हायर मैथमेटिक्स के मैं सभी के सभी वीडियोस कवर करने वाली हूँ, जो चाहे वो बीएससी के हों, एमएससी के हों, बीटेक के हों, एमटेक के हों, तो इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.